नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम हमारे बिलिंग सॉफ्टवेयर गुरु के सॉल्यूशंस में रेस्टोरेंट्स रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करना है और इंस्टॉल कैसे करना है उसका पूरा गाइड देने वाले हैं। हमारे बिलिंग सॉफ्टवेयर गुरु वेबसाइट के अंदर आप रेस्टोरेंट का टैब देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर है। एक है रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर, एक है फास्ट फूड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, फूड वैन बिलिंग, आइसक्रीम पार्लर बिलिंग, पिज्जा रेस्टोरेंट POS, ये सब में कुछ ना कुछ चीजें कॉमन है। सॉफ्टवेयर के सेटिंग्स कॉमन रहते हैं सबका। सेटअप का कहाँ से डाउनलोड करना है वो मैं बताऊंगा। होटल रूम बुकिंग सॉफ्टवेयर, लीकर बार मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर अलग है, ये POS बिलिंग सॉफ्टवेयर में आ जाएगा, सुपर ERP में आता है। कैंटीन बिल मैनेजमेंट, हॉस्टल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये तीनों सॉफ्टवेयर अलग है। बाकी ये सब सॉफ्टवेयर हमारे रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर आएंगे, जिसको कि आप क्लिक करने से इस तरीके से पेज ओपन होगा और डाउनलोड नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर के पूरे डिटेल, जो भी सॉफ्टवेयर है उसकी इंस्ट्रक्शन गाइड यहाँ पर होगी। जैसे आइसक्रीम पार्लर का सॉफ्टवेयर ले लिया तो आइसक्रीम पार्लर के गाइड का सॉफ्टवेयर यहाँ पर मिल जाएगा। अब इसको डाउनलोड करने के लिए आप डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर, होटल सॉफ्टवेयर सेटअप, इस तरीके से आपका पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको दो सेटअप फाइल मिलेगा, एक सपोर्ट सेटअप और एक होटल सॉफ्टवेयर या रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर। यहाँ पर आप सपोर्ट नहीं डाउनलोड करोगे तो भी चलेगा, इसका पूरा गाइड भी अब हमने अपडेट कर दिया है तो इसी सेटअप के अंदर ले लिया है। तो आप यहाँ पर सिर्फ ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे तो भी चलेगा, रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर। तो देखो ये इस तरीके से रेस्टोरेंट POS सेटअप .exe करके आइकन आ जाता है। मैं यहाँ पर ये गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड हुआ है तो यहाँ राइट साइड में टॉप पर डाउनलोड करके बटन है, यहाँ पर क्लिक करूंगा। उसके बाद इस तरीके से मैसेज आएगा, इसको इग्नोर करना है और डाउनलोड एनीवे का बटन प्रेस कर देना है। ये देखिए, ये पूरा विंडोज एक्सप्लोरर में ओपन हो रहा है दोस्तों, और यहाँ पर ये रेस्टोरेंट POS सेटअप आ गया। मैं सेव का बटन दबा रहा हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, लाइव रिकॉर्डिंग हो रहा है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। ये 147 MB का छोटा सा फाइल है, तुरंत ही डाउनलोड हो जाएगा। हम वेट करते हैं तब तक ये डाउनलोड नहीं होता है। ये देखिए दोस्तों, सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है, ऑलमोस्ट फिनिशिंग हो गया है। ये देखिए, ये हो गया डाउनलोड, हम इसको ओपन करते हैं, शो इन फोल्डर। ये देखिए, ये फोल्डर डाउनलोड हो गया, हम इसको अभी मिनिमाइज करते हैं। रेस्टोरेंट POS ये आ गया है, अब इसको हमको इंस्टॉल करना है। डबल क्लिक करूंगा, विंडोज प्रोटेक्टेड योर PC, मोर इन्फो दबाकर रन एनीवे का बटन दबाना है दोस्तों। ये देखिए, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है सॉफ्टवेयर का, बहुत ही इजी है इंस्टॉलेशन करना। इस तरीके से विजार्ड आ जाएगा, नेक्स्ट दबा दीजिए। बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर डी ड्राइव में इंस्टॉल होता है, पर समझो आपके कंप्यूटर में डी ड्राइव नहीं तो कोई और ड्राइव में भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट दबा दिया, यहाँ रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर लिख के आ जाएगा। फिर से नेक्स्ट दबा दिया, क्रिएट क्विक लॉन्च आइकन, नेक्स्ट दबा दिया, इंस्टॉल दबा दिया। ये देखो, फटाफट ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, एक मिनट भी नहीं लगता है इंस्टॉल होने में, तो इतना फास्ट है ये सॉफ्टवेयर। आप इवेल्यूएशन के लिए इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इसको डाउनलोड करने की डायरेक्ट लिंक भी हमने दी हुई है, वहां से आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। ये देखिए, आइकन आ गया। अब इसको डायरेक्ट लॉन्च नहीं करना है क्योंकि हमको सपोर्ट सेटअप भी डाउनलोड करना है, जो हमारी वेबसाइट पर था दोस्तों। अब देख पाओगे कि यहाँ पर हमको ये सपोर्ट वाला सेटअप भी डाउनलोड करना है। ये अलग से यहाँ से क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हो, या तो फिर आपने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया है तो आप देखोगे यहाँ ये आइकन पर राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन दबाओगे दोस्तों,
तो इसके अंदर भी एक सेटअप करके फोल्डर है, इसके अंदर भी ये सपोर्ट सेटअप हमने दे दिया है। तो अलग से डाउनलोड नहीं करोगे तो आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं इसको ही रन कर लेता हूँ, डबल क्लिक कर दिया, ये DLL फाइल का सेटअप है। ये इंस्टॉल नहीं करोगे तो सॉफ्टवेयर स्टार्ट नहीं होगा दोस्तों। तो इसका मैंने इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ, नेक्स्ट कर दिया, इंस्टॉल दबा दिया। ये भी हार्डली ये 15-20-25 सेकंड में ये इंस्टॉल हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए DLL फाइल इंस्टॉल हो गई। लास्ट में कुछ एरर आता है तो इग्नोर का बटन दबा दो, ये फिनिश का बटन दबा दिया, सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल हो गया दोस्तों। अब हम यहाँ पर फिनिश दबाएंगे, इसका टिक मार्क कर क्लिक रिमूव करके आप यहां से भी कर सकते हो या डायरेक्टली भी स्टार्ट कर सकते हो। ये डबल क्लिक कर दिया, सॉफ्टवेयर देखो ये स्टार्ट हो गया दोस्तों। मैं यहां कंटिन्यू का बटन दबा रहा हूं, ये देखिए इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा सॉफ्टवेयर। यहां क्रिएट न्यू कंपनी दबाना है, आप आपके रेस्ट होटल का नाम दे दो, एड्रेस वगैरह टाइप कर दो, यहाँ पर सिटी का नाम लिख दो, यही इनवॉइस के ऊपर प्रिंट होगा। स्टेट के अंदर आपका जो भी स्टेट है वो डाल दो, फोन नंबर डाल दो, मोबाइल नंबर जरूरी है 9727935514, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आपको कुछ भी दिक्कत आती है ये इंस्टॉल करने में तो आप हमको व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हो, हम आपको तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे व्हाट्सएप के ऊपर इंडियन ऑफिस आवर्स के दौरान। ये एंटर कर दिया, GST नंबर डालना है तो डाल दिया, एंटर कर दिया। ये देखो फाइनेंशियल ईयर आ गया 22-23, इसको आप आपके हिसाब से एडिट भी कर सकते हो, यहाँ कुछ नहीं करना है। यूजर नेम पासवर्ड मत चेंज करो, एक एक ही रहने दो बाय डिफॉल्ट। ये देखो यहाँ पर दो ऑप्शन है, होटल मैनेजमेंट एंड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट। यदि आपको होटल का सॉफ्टवेयर भी चाहिए रेस्टोरेंट के साथ जिसके अंदर रूम बुकिंग वगैरह आता है तो आप यहां टिक मार्क रहने दो, और सिर्फ रेस्टोरेंट ही है आपका तो ये टिक मार्क निकाल दो ताकि चेक इन चेकआउट वाला मॉड्यूल सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल नहीं होगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप ये रिमूव कर सकते हैं। रेस्टोरेंट तो बाय डिफॉल्ट होटल में चाहिए ही चाहिए, तो ये तो रहने ही दीजिए आप। यहां पर ये क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन का बटन दबा दो, ये देखो ये ओके का बटन आ गया, देखो मंथन होटल रेस्टोरेंट अपने आप आ गया। इसको डबल क्लिक करना है, यूजर नेम में एक रखा था, एंटर पासवर्ड में भी एक रखा था, PCID आपका लाइसेंस नंबर, ये इवेल्युएट कर सकते हैं आप ये सॉफ्टवेयर को पूरा एक हफ्ता के लिए। कुछ दिक्कत है हमको, हमारे पास से गाइड लो, लॉगिन कर दो। ये देखो सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो गया, इसका पूरा आइटम कैसे क्रिएट करना है, इसका बिलिंग कैसे करना है, उसके अलग से वीडियो गाइड हमारे इसी वेबसाइट के ऊपर से लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से देख करके आप सीख सकते हो। तो ये इस तरीके से हमारा रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है पूरा, वो डाउनलोड होता है और इंस्टॉल होता है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच।